अपनी तरह के पहले मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने उत्तरी कश्मीर के सोपोर शहर में एक ड्रग तस्कर की संपत्ति को कुर्क किया। बताया जा रहा है कि बटपोरा सोपोर के मुजफ्फर अहमद भट्ट उर्फ तांगा की संपत्ति कुर्क की गई है। जब्त की गई संपत्ति में 6 मरला जमीन पर बना हुआ घर शामिल है। मुजफ्फर पुलिस स्टेशन सोपोर और NCB जम्मू में कई NDPS मामलों में शामिल है। वह वर्तमान में जम्मू कश्मीर की कोट बलवाल जेल में बंद है। विश्वसनीय सूत्रों ने कहा कि भट्ट का पूरा परिवार नशीली दवाओं के दुरुपयोग के व्यापार में शामिल है और उनके खिलाफ कई FIR दर्ज है। जम्मू कश्मीर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के लिए उपयोग की जाने वाली चल और अचल संपत्तियों की कुर्की को जिले से नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। सोपोर पुलिस नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने और लोगों खासकर के युवाओं की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के मिशन के लिए प्रतिबद्ध है।